भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज प्रदेश कार्यालय में बजट और कार्य समिति की बैठक को लेकर प्रेस वार्ता की। इसके बाद उन्होंने पत्रकार बंधुओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बजट की सराहना कर रही है। जनता को भरोसा है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। आज भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि आम चुनाव के समय विपक्षी पार्टियों ने जनता को गुमराह कर जो भ्रम पैदा किया था वह अब निकल चुका है। राहुल गांधी को प्रश्न कहीं और से आते हैं तो वो एक मोहरा है। कांग्रेस के नेता जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान से कहते हैं कि पीएम मोदी को हटाने के लिए आप मदद करिए। जिन लोगों को देश की जनता पर विश्वास नहीं है और दुश्मन राष्ट्र के ऊपर विश्वास है, तो देश की जनता उनको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास है, इसलिए लगातार तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को शिकस्त दी थी। आने वाले उपचुनाव में भी निश्चित रूप से भाजपा की ही जीत होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र के 45% से अधिक वादों को पूरा किया है। उन्होंने प्रदेश में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। जिन दावों और वादों के दम पर सत्ता में आए उन्हें भूल गए और जनता की परवाह नहीं की। कोरोना काल के समय में भी होटलों में आराम किया। अंतिम 6 महीने में काम करने का दिखावा करते हुए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया, जिसके लिए भी कैंप लगाकर माताओं बहनों को लाइन में खड़ा किया। इसके विपरीत भाजपा की सरकार ने सत्ता में आते ही पहले 30 दिनों में कहा कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे और आदेश भी जारी कर दिए। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन कर्जा माफ नहीं होने के कारण किसानों ने आत्महत्या की। भाजपा ने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए दे रही है, तो राजस्थान की भाजपा सरकार भी 6,000 रुपए देगी। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोंक की धरती से किसानों के खातों में 2,000 रुपए डालने शुरू किए। झुंझुनू की धरती से पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम नहीं कर जनता की जेब काटती रही, वहीं भाजपा की सरकार ने 6 से 7 रुपए कम कर जनता को राहत देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को बिजली सहित अन्य क्षेत्रों में पीछे धकेलने का भी काम किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में यह बजट विकसित राजस्थान की आधारशिला वाला बजट है। जो बजट में है वह निश्चित रूप से धरातल पर लागू होंगे। हम विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा करेंगे। कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? हमने तो कभी नहीं कहा आप टोपी पहन के कहां जाते हैं। तो इस प्रकार का निर्णय और इस प्रकार की बातें इन लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। हमने हमेशा जो जिस धर्म को मानता है मानना चाहिए, लेकिन आप किसी एक धर्म को टारगेट कैसे कर सकते हैं? आप हिंदुत्व को टारगेट कैसे कर सकते हैं? आपके नेता कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने कभी किसी के लिए नहीं कहा। लेकिन कोई हिंदुत्व के ऊपर या किसी एक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थलों के ऊपर या हमारे आराध्य देव के ऊपर कोई बोलेगा तो इसको देश की और प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी शासित राज्य एपी सेंटर बन चुके हैं बेरोजगारी के, रोजगार कहीं भी नहीं है, एपी सेंटर वर्ड यूज किया गया है। देखिए राहुल गांधी को प्रश्न कहीं और से आते हैं, वो तो एक मोहरा है। आप देखिए कि भारत चीन सीमा पे तनाव होता है तब चीनी राजदूत के साथ आप क्या बातचीत कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी के नेता जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान के पास जाके कहते हैं कि आप मोदी को हटाने के लिए हमें आप मदद करिए। जिन लोगों को देश की जनता के ऊपर विश्वास नहीं और दुश्मन राष्ट्र के ऊपर विश्वास है, तो देश की जनता उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। 4 लाख रुपए मिले कि जैसे आपने संकल्प पत्र का वादा तो पूरा कर दिया, जो हमने कहा है। देखिए आप देखिए कि जो मैंने बातें आप लोगों के सामने बताई, क्या पुरानी सरकारों ने इस दिशा में
पहले छह महीने में इतने कोई कदम उठाए। इस सरकार ने तो न सिर्फ घोषणा की, खातों में पैसा जाना शुरू हो गया। और ये जो काम बजट में है वो निश्चित रूप से धरती पर धरातल पर आएंगे और विकसित राजस्थान का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे।